नमस्ते नमस्ते सभी को। आज हम करने वाले हैं भुजंग आसन, जिसको इंग्लिश में कोबरा पोज बोलते हैं, सर्पासन भी इसको बोलते हैं। सर्प की आकृति, जैसे सांप ऐसे खड़ा होता है तो ऐसी आकृति हमारी बनती है भुजंग आसन। भुजंग आसन हमारे कमर के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, जिसको बैक पेन साइटिका उसको हर रोज भुजंग आसन करना चाहिए और इसमें होल्डिंग लाना चाहिए। जितना आप लंबा होल्डिंग लेके आएंगे उतना जल्दी आराम मिलेगा। फिर ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, हमारे तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाता है, लीवर के लिए फेफड़ों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है भुजंग आसन। अभी हम इसको करेंगे, भुजंग आसन करना कैसे है देखिए। आराम से हम पेट के बल आ जाएंगे, पेट के बल लेते हैं, पूरी बॉडी जमीन के साथ दोनों पैरों को एक साथ कर, पूरा बॉडी को रिलैक्स कर। अभी धीरे से दोनों हाथों को अपनी छाती के पास ले, दोनों हाथ छाती के पास, हथेलियां जमीन के साथ, हथेलियां पूरी अच्छे से जमीन के साथ। अभी धीरे से सांस भरते हुए छाती के भाग से, यानी कि नाभि के भाग तक हम धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। अभी धीरे से सांस भरते हुए नाभि के भाग तक ऊपर, रिलैक्स पोजिशन। अभी नाभि से नीचे का हिस्सा ऊपर नहीं उठना चाहिए। फिर आपका पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्कर पर, विशुद्धि चक्कर पर, रिलैक्स पोजिशन। दोनों हाथों की कोहनियां आपके शरीर के साथ, कोहनियां मुड़ी हुई शरीर के साथ, इस पोजिशन में कुछ पल के लिए रुके, तभी इसका लाभ आपको मिलने वाला है भुजंग आसन। अभी धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे आए। जब भी किसी आसन में आप होल्ड करें, सांसों की गति नॉर्मल कर लें, भुजंग आसन, रिलैक्स पोजिशन। अभी धीरे से राइट साइड से करवट लें और धीरे से बैठ जाए। यह है हमारा भुजंग आसन। अभी ये करना किसको नहीं है, जिसको अल्सर है, हरनिया है, हाइपरथायराइड है, उसको ये आसन नहीं करना चाहिए। नमस्ते, फिर मिलते हैं दूसरे आसन के साथ।